नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए देश की टॉप 10 खबरें लेके आया हूं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की बड़ी खबर हरियाणा के नूह में हिंसा और इस राज्य पर राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान से जुड़ी रही। एक खबर राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के दावे की रही। हम आपको खट्टर का बयान और गुड़ा का दावा भी बताएंगे, लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स को जान ले। दिल्ली में बाइक, टैक्सी, ओला, उबर और रैपिडो की सर्विस आगे बहाल होगी या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला लेगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने 200 ओवर T20 मैच खेलेगी। हरियाणा सीएम बोले, पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। नलहरेश्वर मंदिर के बाहर फायरिंग का वीडियो आया सामने। हरियाणा के नूह में धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जिन लोगों ने नुकसान किया है उन्हीं से भरपाई कराई जाएगी। प्रदेश की आबादी 2.7 करोड़ है, हमारे पास 60,000 जवान है। ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है। कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही इश्यू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप इश्यू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल। नू के नलहरेश्वर मंदिर के फायरिंग का वीडियो मिला है जो 31 जुलाई का है, जिसमें दंगाई पहाड़ी से श्रद्धालुओं पर फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस खुद को बचाती नजर आ रही है। इस मंदिर से धार्मिक यात्रा शुरू हुई थी जो 600 मीटर आगे ही पहुंची थी कि हिंसा भड़क उठी। दिल्ली में मदर डेयरी के स्टोर पर टमाटर 259 रुपए किलो, सरकार 60 रुपए किलो बेच रही। टमाटर की कीमतें एक बार फिर 250 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में मदर डेयरी अपने रिटेल स्टोर पर टमाटर 259 रुपए प्रति किलो बेच रही है। सरकार ने दिल्ली सहित देश के अन्य शहरों में 14 जुलाई से सस्ते रेट में टमाटर बेचने शुरू किए थे। यहाँ फिलहाल ये 60 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो में फांसी लगा ली है। उन पर करीब 250 करोड़ रुपए का कर्ज था। कुछ समय पहले उन्होंने ऑफ कैमरा बताया था कि बेटी की शादी के बाद उनके मेडिकल प्रॉब्लम काफी बढ़ गई थी। उनके परिवार में 2 बेटी और 1 बेटा है। दोनों बेटियां अमेरिका में रहती हैं, बेटा पढ़ाई कर रहा है। नितिन ने लगान हम दिल दे चुके सनम, देवदास, जोधा अकबर और प्रेम वतन धन पायो जैसे फिल्मों के सेट डिजाइन किए थे। उन्हें 4 बार बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। आखिरी बार उन्होंने फिल्म में पानीपत के लिए काम किया था। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी के 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए हैं। उनका दावा है कि सीएम गहलोत के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने इन पन्नों में सीएम के बेटे वैभव गहलोत और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिन भवानी समोता का लेन देन का जिक्र किया गया है। गुड़ा ने यह भी दावा किया है कि डायरी में सीएम के करीबी धर्मेंद्र राठौर की हैंड राइटिंग है। लाल डायरी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर के निलंबन के मुद्दे पर विधानसभा में भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। गुड़ा ने मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद सदन में लाल डायरी लहराई थी। इसके 27 जुलाई को सीकर में हुई सभा में पीएम मोदी ने इस डायरी पर चुटकी लेते हुए कहा था कि ये लाल डायरी चुनावों में कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी, आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए गूगल और अमेजन को टारगेट कर रहा है। BCCI ने राइट्स के लिए 15 लाख रुपए के टेंडर डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। भारत में अगले 5 साल तक होने वाले मैचों के राइट्स करीब 6000 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं। भारत में 2023 से 27 तक तीनों फॉर्मेट के 102 इंटरनेशनल और घरेलू मैच होने हैं। जब कोई संस्था किसी खास समय के लिए टीवी या डिजिटल माध्यम पर किसी कार्यक्रम को दिखाने की अनुमति किसी कंपनी को देती है तो एक रकम तय करती है, जिसे मीडिया राइट्स कहते हैं। वेस्ट इंडीज के मैनेजमेंट पर हार्दिक बोले, बेसिक सुविधाएं तो देते हैं लेकिन खिलाड़ियों की नींद पूरी नहीं हुई। टीम इंडिया के स्टैंड इन कैप्टन हार्दिक पांड्या ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हम लग्जरी नहीं मांग रहे हैं लेकिन बेसिक सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। कई सीनियर खिलाड़ियों ने भी BCCI से शिकायत की कि वनडे सीरीज से पहले फ्लाइट 4 घंटे लेट हुई थी, जिस कारण मैच से पहले खिलाड़ियों की नींद भी पूरी नहीं हो सकी। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती है। हार्दिक ने भारत के लिए दूसरे और तीसरे मैच में कप्तानी की। हार्दिक ने कहा, त्रिनिदाद एक अच्छा ग्राउंड है, अगली बार हम वेस्ट इंडीज जाएं तो चीजें सुधारी जा सकती है। ट्रेवलिंग पर वेस्ट इंडीज बोर्ड को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी ब्रिक्स समिति के लिए साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, वर्चुअली हिस्सा ले सकते हैं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त के बीच होने वाली 15वीं ब्रिक्स समिति में पीएम मोदी के शामिल होने पर संशय बरकरार है। न्यूज एजेंसी राइट्स के मुताबिक मोदी इस मीटिंग के वर्चुअली शिरकत कर सकते हैं। भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका BRICS के मेंबर हैं। दुनिया की कुल GDP में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 31.5% के करीब है। दरअसल चीन और रूस ब्रिक्स में कुछ और देशों को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इस मामले पर भारत की कुछ शर्तें हैं। पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी, ईरान समेत 19 देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर की है। 5 महीने में कूनो में 9वें चीते की मौत। मादा चीते को 10 दिन से तलाश रही थी टीम। MP के कूनो नेशनल पार्क में एक मादा चीते की मौत हो गई है। इसकी वजह पता नहीं चल पाई है। मादा चीते खुले जंगल में घूम रही थी। हेल्थ चेकअप के लिए पिछले 10 दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी। ये बीते 5 महीने में 9वें चीते की मौत है। इनमें 3 शावक भी शामिल है जिनका जन्म कूनो में ही हुआ था। इस साल 26 मार्च को कूनो में पहले चीते की मौत हुई थी। देश में 70 साल बाद सितंबर 2022 में चीतों की वापसी हुई। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से कुल 20 चीते भारत लाए गए थे। एक मादा चीता ने 4 सांपों को जन्म दिया था। ऐसे में उनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई थी, जिनमें से अब केवल 15 चीते ही बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चीतों की मौत पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश भी दे चुका है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप इस पे निर्णय लें कि आप जो कोई अन्य सूटेबल हैबिटेट जहां पर भी हो आप वहां के बारे में निर्णय लें, बट ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हम एक ही जगह सारे के सारे चीते छोड़ दें। मानहानि के केस में राहुल का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। कहा, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है, मुझे अहंकारी कहना सही नहीं है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी ने बुधवार यानी 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से मना करने पर मुझे अहंकारी कहा गया है, जो कि निंदनीय है। राहुल ने आगे कहा कि मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है, इसके चलते संसद सदस्यता चली गई। पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं है, ऐसे में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। कभी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहते थे सुनील, अब 24 करोड़ के मालिक। कपिल शर्मा के बारे में कहा कि वे जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का आज 46वां बर्थडे है। लगभग 16 फिल्मों का हिस्सा है सुनील को बड़ी पहचान कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो से मिली थी। हरियाणा में जन्मे सुनील थिएटर की पढ़ाई कर किस्मत आजमाने मुंबई आ गए। शुरुआत में उन्हें लगा कि यहां काम आसानी से मिल जाएगा, इसी नासमझी की वजह से उन्हें खूब स्ट्रगल करना पड़ा। रिजेक्शन की वजह से उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने का प्लान भी बना लिया था। हालांकि जैसे तैसे कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई।